नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिचे। प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की याचिका पर सुनवाई अब 23 मार्च को होगी। बरेली जेल के अधीक्षक अदालत में अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाए। रिपोर्ट पेश होने में देरी के कारण सुनवाई टल गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। पुलिस एनकाउंटर से बचने के लिए बरेली जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ ने याचिका दाखिल की है। अशरफ की अर्जी में कहा गया था कि उसे कम से कम 6 वकीलों की मौजूदगी और वीडियोग्राफी के बीच ही बरेली जेल से निकाला जाए। दरअसल अशरफ के खिलाफ पिछले हफ्ते बरेली में आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था। प्रयागराज में दर्ज उसके मुकदमों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है। बरेली केस में रिमांड बनवाने के लिए उसे जेल से निकाल कर कोर्ट ले जाया जा सकता है। इसके अलावा उसकी जेल भी बदली जा सकती है। अशरफ को डर है कि जेल से बाहर निकलने पर पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है या उसकी गाड़ी पलट सकती है। अशरफ ने इसी वजह से प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। वहीं अशरफ ने अपनी अर्जी में कहा था कि वो अभी न्यायिक हिरासत में है, इसलिए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कोर्ट की है। अदालत इस बात का आदेश दे कि जेल से बाहर निकाले जाने पर उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे, उसके जीवन को कोई खतरा नहीं होने दिया जाएगा। अशरफ ने इससे पहले प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में भी एक अर्जी दाखिल कर रखी है। उस अर्जी में कहा गया है कि उमेश पाल शूटआउट केस में उसका रिमांड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बनवाया जाए, उसे फिजिकल तौर पर बरेली से प्रयागराज ना लाया जाए। अशरफ की इस अर्जी पर भी सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के भाई अशरफ का भी नाम सामने आया है। अशरफ ने याचिका दायर की थी। उसने अपनी याचिका में यह आशंका जताई है कि जेल से कोर्ट ले जाए जाने के दौरान में उसका एनकाउंटर कराया जा सकता है, लिहाजा उसे सुरक्षा के बीच लाया जाए। उमेश पाल हत्याकांड में लगातार हो रही कार्रवाई से अशरफ को भी अपने जान का डर सताने लगा है कि कहीं बाकी आरोपियों की तरह उसका भी एनकाउंटर ना कर दिया जाए। पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों को खदेड़ खदेड़ कर निकाला जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।